सर इस समय का जो मामला चल रहा है पूरा भारत जोर हुआ, बाबा साहब अगर होते और बाबा साहब कहीं देख रहे होंगे तो उनकी आंखों के अंदर से पानी आ रहा होगा। जो मैंने कार्रवाई हम बना के दिया था बड़े दुख और दर्द से आज वो कार्रवाई पीछे आ रही है, हमें भी नींद नहीं आ रही जब से वो एक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आज हम सुबह से ही लगे हुए हैं, पीएम हाउस में भी देकर आए हैं और वहाँ भी राष्ट्रपति जी के यहाँ भी दिया है और सभी जो संबंधित मंत्री हैं उनको भी दिया है, गहलोत जी के यहाँ भी दिया है। लास्ट में सुबह से घूमते हुए फिर हम कमीशन में आए थे 5 बजे के लगभग, तो कमीशन में भी डॉक्टर स्वराज विद्वान जी से मिले, उनको भी हमने अपना एक ज्ञापन दिया है। लेकिन वो बड़े दुख के साथ तहरीक लिख के हमें बहुत आहत है, हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। इसका तो हमारा उन्होंने बड़ी कोशिश करी और वो बतानी थी आज हमसे बैठ करके कि हमने कल के लिए राष्ट्रपति जी से टाइम मांगा है, तो शायद हमारे कमीशन के सभी मेंबर कटोरिया जी डॉक्टर सभी लोग जाएंगे, उनसे पहले हम सभी के यहाँ पे आए हैं, हमने टाइम भी मांगा, कुछ लोगों से मिलकर भी आए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों ना ये जो हमारे MP बनकर के आते हैं ऐसे टाइम पे किसी ने भी अपना त्याग पत्र नहीं दिया, नहीं इतने अत्याचार होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है उनका काम नहीं है, रूल रेगुलेशन बनाने का लोकसभा का है और इन्होंने पार्लियामेंट का है, तो ये जो बनाया है तो इसमें वो चुप बैठे हैं, तो क्यों नहीं हमारे जो भी अच्छे मंत्री बैठे हुए उनको त्याग पत्र देना चाहिए और सड़कों के लिए कहना चाहिए उतर के आओ, जनता साथ आएगी उनके, जनता घेराव कर देगी और उनको साथ लग जाएगी, लेकिन वो सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये तो नहीं पार्टी के उसमें बंधे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं और संविधान के अंदर जीत के आते हैं, अगर वो रिजर्व सीट ना हो तो कहाँ वो उनके बाप भी ना जीत सके, कौन जीतेगा, उनका कोई चाचा जीत के दिखा दे, अगर वो रिजर्वेशन के प्रति जनरल सीट से जीत के देख लें उनको रिजर्व सीट से लड़ाया जाता है चाहे किसी भी पार्टी है, लेकिन वहाँ से जीत के आते हैं, उनका काम बनता है हमारे लोगों की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, वो रक्षा क्या बैठने के बाद देखते ही नहीं कहीं भी, अब देखते तो अब ये जैसे लागू हुआ है कोई आदमी बोल रहा है, आपने सुना है किसी का, आज पता लगा है कि हमारे श्री रामविलास पासवान जी ने LNG जो उनकी पार्टी है उसके प्रति एक हिट लगाई है, सुबह 90 टाइम्स में हमने पढ़ी थी, हमें खुशी हुई कभी चलो ठीक है कोई आदमी था, लेकिन हमारे जितने आदमी हैं इनको त्याग पत्र देना चाहिए सड़कों के लिए, रामलीला मैदान में के लिए जनता को बुलाना चाहिए और वहाँ से फिर अपना संसद का घेराव करो, सुप्रीम कोर्ट का करो और सभी इनसे मंत्री से मिलो, कोशिश करी जाए कि मतलब क्या नहीं हो सकता, जब जनसैलाब होता है जब जनता टूट के पड़ती है सब काम सब रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं। साहब आपने बहुत अच्छी बात, इसीलिए तो कर लिया कितने आप करें लाखों में पहुंचे तो ऐसी लाखों में यहाँ आ जाए सड़कों अमेंडमेंट कर दे, कल ही संसद बुला लेंगे सब बैठने के लिए, पारित करो आए तो सही, आने की तो कोशिश करें, इंजीनियर अपने घर बैठा है, डॉक्टर अपने घर बैठे हैं, पढ़े लिखे बड़े बिजनेसमैन आने को तैयार नहीं, तो मतलब कुछ कोई तो आए। मैं तो ये कहता हूँ जो हमारी जेब में पेन है ये बाबा साहब की पेन है, हमारी नसों में नीला खून नहीं बहेगा ये लाल ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, डर कब तक रहोगे, डरना कब तक है, पहले भी तो देखो कितना संघर्ष करते थे लोग, हमारे बुजुर्ग करते आए थे, आज सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे अच्छे पद पे हैं, कोई सामने आए बोले सर आपने देखा होगा जो हमारी पीढ़ी थी वो अनपढ़ थी, उनको पैसा नहीं था, अगर जो संविधान की तरफ उंगली उठाएगा कानून की तरफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसकी आंख निकाल ली जाएगी, लेकिन आज समय इंजीनियर डॉक्टर वकील इतने होने के बावजूद संविधान गलती है, अगर ये हो जाए सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर कोई भी सरकार करते हैं अपने
क्या करेंगे, छिपाते हैं अपने डिपार्टमेंटों में, बताने की तैयार नहीं होती कि मैं स्वयं कास्ट हूँ, तो ये कब तक छिपाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके बारे में सब कुछ पता होती है, कहाँ रहते हैं वहाँ भी जानते हैं, उनकी जाति को कहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी जानते हैं, जब वहाँ से बदली होकर जाते हैं वहाँ भी उन लोगों को अच्छी तरह से पहले ही पता लग जाती है कि फलाना कास्ट का आदमी आ रहा है जी। तो मेरा ये विचार है अपना कि जो इसके प्रति एक्ट को बदलाव होने के लिए जनसलाह टूटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे हम लोग आज सुबह से लगे तो कम से कम कुछ पढ़ेंगे तो सही, क्या लिखा हुआ है जी, क्या क्या चीज़ है, जब इतनी हमारी वहाँ पे पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन पहुँच जाएंगे, ज्ञापन पहुँच जाएंगे, तो सरकार भी सोचेगी कि भाई ये जागे हुए लोग हैं, जब जाग गए तो इनके बारे में कुछ करो, कभी देश को पलटने वाली बात नहीं आ जाए। जैसे कि हमारे जनमत दे दिया जो हमारे जो भारत के जो जनरल है, एक सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तहत पेशी की होगी, भाई आप अपनी तरफ से किसी को भेजो, तो मतलब ना तो एडवोकेट जनरल पहुंचा ना अटॉर्नी पहुंचे, वहां पर एक जूनियर डॉक्टर ने एडवोकेट ब्रिज लगाया, वो चुप खड़े और एक तरफा केस कर दिया। तो उनको करना था, वो सोच रहे थे कर करना है हमें, तो जब कर दिया उन्होंने और ये चुप बैठे रहे, तो इनकी तो गलती है, जाना चाहिए उसमें, और सरकार को भी अपना आदमी अच्छा खड़ा करना चाहिए वहां पर। अभी ये 26 तारीख को सुबह का ही जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का हमने नेट से निकाला है, 22 तारीख को किसी को जमानत दे दी थी आदिवासी की, और जमानत देने के बाद उसमें कोई कितना जागरूक आदमी था कि उसने 23 तारीख को ही मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया, केस लगाने के बाद 26 तारीख को उसकी मतलब वो भी लग गई, खूब वहाँ पे बहस हुई थी, नोटिस दे दिया और उन्होंने कह दिया कि जमानत गलत हुई है, जमानत नहीं होनी चाहिए उसकी और बेल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए नोटिस जारी करा है और अभी मई में उसकी डेट लगेगी, अप्रैल में कुछ ही हफ्ते में अप्रैल में डेट लगेगी, नोटिस आएगा, हो सकता है वो दोबारा से करें कि भैया ये जजमेंट ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, तो उस पर अब आने वाली देखो प्रतिक्रिया, मतलब संघर्ष जारी है, कोशिश कर रहे हैं। सर आप एक इंजीनियर है, अधिकारी है, तो और आप और अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करता हूँ भाई, जो बाबा साहब ने आपको संविधान के तहत नौकरी दी है रिजर्वेशन का, उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं आ सकते हो तो कहीं बंद हो, और कहीं जा नहीं सकते हो, समय नहीं दे सकते हो, तो तुम बाहर से मदद करो, लेकिन मदद करो, ये जो मतलब बाबा साहब के अधिकारों से लेकर के आज नौकरी पे बैठे हैं बड़े बड़े उच्च अधिकारी, और जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर कहते हैं हम संस्थान में काम करेंगे, हम काम वहाँ करेंगे काम, मतलब हम समाज के लिए काम करें, फिर कौन पूछेगा उनको, गधे इनको, आए तो आ जाए, वर्किंग में लेकर आए, वर्किंग में काम करो, संविधान के तहत करो, कानून के तहत करो, कौन तंग कर देगा, ये तो अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए काम करने की, और जब काम करेंगे समाज को जगाएंगे तो क्यों नहीं पता लगेगी समाज को कि भाई ये काम कर रहे हैं। मेरा यही है कि मतलब जागरूकता होनी चाहिए, और जो नौकरी में बैठे हुए हैं उनको कैडा संदेश जाना चाहिए कि जो आप रोटी खिला रहे हैं ये बाबा साहब के पैसे के दिए हुए हैं, ये जो तनख्वाह मिल रही है तुम्हें बाबा साहब के संविधान के अगेंस्ट, तुम्हें नौकरी मिली है रिजर्वेशन करने, तो जनरल में नौकरी लेकर देख लो, तुम्हारे कोई कुत्ते भी नहीं पूछेंगे, कोई नौकरी भी नहीं देगा देख करके कि चमार का है जाटव का वाल्मीकि का। मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे स्वच्छ तनख्वाह मिलती है, स्वच्छ वेतन मिलता है, मैं उसके 5-10% समाज में संस्थानों में किसी भी गरीब बच्चों में पढ़ने में या किसी में लगा, मैं नोट करता रहता हूँ कि मुझे इतनी तनख्वाह मिली है, इसका इतना 5-10% कितना बनता है, उसको 4 संस्था में दूँ, 1 में दूँ, किसी बच्चों को दूँ, कहीं लगाऊँ, जब तक वो महीने में वो पूरा नहीं हो जाता है मैं जब तक वो देता रहता हूँ। मतलब फिर साहब ने कहा होता है कि आप अपने बच्चों के तो जानवर भी पालते हैं आपको, हमारे में क्या दिक्कत है, दूसरों की तरफ पालो, दूसरे बच्चों को भी देखो ना क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा दो, उनमें कॉपी किताब की जरूरत पड़ रही है, उनको वो दो, और कोई संस्था चला रहा है उसके पास पैसे कम है लेकिन संस्था चलाने का हौसला रखता है, उसको चलाने के लिए धन दो, मीडिया वालों को बुलाओ, मीडिया वालों को बहुत सी मीडिया हमारी अभी आगे तक खबर ही नहीं देती, अपनी मीडिया तैयार करो, जब अपनी मीडिया तैयार हो जाएगी तो हमारी जो आवाज़ है बुलंद करके जाएगी, और जब जाएगी तो सुनेंगे उसको कहीं भी संसद में या पार्लियामेंट में, तो उस पर कार्रवाई होगी, अभी तो वैसे ही जवान को दबा लिया जाता है हमारी।